घमापुर थाना अंतर्गत पाट बाबा रोड केंद्रीय विद्यालय के समीप 14 जुलाई की रात नैनो कार पर पत्थर से हमला करने वाले चार आरोपियों को घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक 17 वर्षीय किशोर भी शामिल है। सभी आरोपी नरसिंह नगर रांझी के रहने वाले हैं। घमापुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने लूट के इरादे से चलती नैनो कार पर पत्थर फेंका था, लेकिन पत्थर कार में सवार वृद्ध महिला विराज दुबे को लगा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और वारदात को अंजाम देने वाले प्रिंस कुशवाहा, ऋतिक घारू, अभिषेक दत्ता सहित 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार कर तीन आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जबकि नाबालिग किशोर को बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तो जो घटनास्थल है, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, तो जिसमें दो वाहन पल्सर और एक्टिवा गाड़ी में संदिग्ध व्यक्तियों की गाड़ी बहुत तेज़ी से भागना पाया गया। उन वाहनों को सीसीटीवी कैमरे के द्वारा आगे आगे ट्रेस करते करते आरोपी लोग रांझी के होने पाए गए, जिन्हें कल दिनांक 18/7/24 को पूछताछ हेतु थाना लाया गया, जिनके द्वारा इस उक्त अपराध में अपराध करना स्वीकार किया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तीन आरोपी बालिग हैं, जिन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। एक अपचारी बालक है, जिसे बाल न्यायालय पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों से घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किए हैं और मामले की विवेचना जारी है।